हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं जॉब टुडे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पीयूष गोयल ने हाल ही में बेरोजगारों के लिए जो है एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि रेलवे RRB ने 2019 से 2020 में जो है वह 2,30,000 पदों पर जो वैकेंसियाँ निकालेगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये वैकेंसियाँ जो इस साल में पहले फेज में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता कि RRB रिक्वायरमेंट जो है 2019 में जो है पहली फेज में 1,31,428 पदों पर जो है नोटिफिकेशन इसी महीने के अगले महीने जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात कर ले खास बातों पे जो है, आपको बता दें कि पहले फेज में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले फेज में यहाँ पे 1,30,000 के करीब जो है वैकेंसियाँ देने की जो है ऐलान करी गई थी। और आपको बता दें दूसरी फेज में जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 99,000 जो है वैकेंसियाँ देने की ऐलान की गई थी। आपको बता दें पहले फेज के लिए इस महीने नोटिफिकेशन जारी करी गई जाएगी, इस महीने या अगले महीने जो है नोटिफिकेशन इसकी जारी की जाएगी। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, जो ALP और ग्रुप डी की जो अभी फिलहाल वैकेंसियां तो चल ही रही, इसके अलावा जो है और आएगी तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली RRB रिक्वायरमेंट 2019 में जो है सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रेलवे बम्पर वैकेंसी निकालने वाला है। हाल ही में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगारों के लिए जो है एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि RRB में जो है 2,30,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। बात बता दें कि 2,30,000 नए पदों पर जो भर्तियां होने वाली है वह आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए 10% की आरक्षण दी जाएगी। आप लोग की जैसे कि पता होगा कि ये 10% की आरक्षण जो है की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की है। और कुल 23,000 पद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो है यहाँ पे आरक्षित रखी जाएगी, यानी कि 23,000 जो है वैकेंसियाँ ये आर्थिक रूप से जो कमजोर स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये वैकेंसियाँ जो है रखी जाएगी। और बता दें कि भर्ती 2 फेज में जो है ये वैकेंसियाँ होगी। और पहले फेज में जो है आपको बता दें कि पहले फेज में 1,31,428 पदों पे भर्ती होगी। नोटिफिकेशन जारी होगा, ये नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में जारी किया जाएगा, यानी कि इस महीने वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अगर इस महीने में 1,31,428 पदों पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इसी महीने ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे कुछ ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि ये जो है रिक्वायरमेंट ड्राइवर के वैरियर्स कैरियर्स ऑफ इंडियन रेलवे की तरफ से जो है ये पोस्ट डाली गई है। आपको बता दें कि ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल वैकेंसी जो है किस सीट की जो है वो लिखी गई है। और आपको बता दें कि ये कितने कितने फेज में आएगी इसके बारे में मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहले फेज में जो है स्टार्टिंग फरवरी और मार्च की डेट दी गई है 2019 में, कंप्लीट बाय अप्रैल और मई 2020, यानी कि जो भी वैकेंसी 2019 में फरवरी और मार्च के बीच निकाली जाएगी वो अगले वर्ष जो है अप्रैल और मई तक जो है इसे पूरा कर दिया जाएगा। और सेकेंड फेज की बात कर ले तो ये स्टार्टिंग जून 2020 एंड कम्प्लीट बाय जुलाई अगस्त 2021, विल कम्प्लीट ऑफ 1 लाख फॉर्म की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। फ्रेंड्स, मैं इसका जो नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वो जो किसी साइट पे या किसी जोन पे नहीं मिलेगा। तो चलिए और देखते हैं, इसमें दे रखा है कि जबकि दूसरे फेज में जो है 99,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसी भर्ती के लिए जो है मई जून 2020 में नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। बता दें कि पीयूष गोयल ने हाल ही में ये कहा था कि पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया था, अगले 2 वर्षों में जो है सेवा होने होने वाली वैकेंसी और अन्य
संस्थाओं के लिए कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर रेलवे देने जा रहा है। यानी कि अगले 2 सालों में जो है 4 लाख वैकेंसियां और निकलनी जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पीयूष गोयल की तरफ से जो है ये ऑफिशियल इनका जो है ट्विटर है, तो उनके तरफ से जो यहाँ पे कुछ मैसेज जो है वह 23 जनवरी को दी गई थी, आपको वो दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दे रखी है, पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरियां देने का अवसर प्रदान किया था, अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त से होने वाली वैकेंसियों और अन्य संस्थानों के लिए कुल मिलाकर जो है 4 लाख लोगों को नौकरियां का अवसर देने का प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे तो और भी जो है साबित हो जाता है। अब मैं आपको जो है यहाँ पे इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक जो है यहाँ पे विनोद कुमार यादव जी का जो है नाम जो है अंकित किया हुआ है। विनोद कुमार यादव जो है वो रेलवे बोर्ड के अभी जो है चेयरमैन हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं प्रधान प्रमुख सचिव भारत सरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पे ये अंकित किया गया, वही जो है इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है चेयरमैन रेलवे बोर्ड ऑफ ऑफिशियल एक्स ऑफिशियल प्रिंसिपल सिक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो है ये न्यूज़ जो है ये सूचना जो है प्रदान की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सूचना नंबर यहाँ पे दे रखी है ये सीरियल नंबर इसकी है, और इसके इसी न्यूज को जो है इस ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को 5 फरवरी 2019 को जो है रिलीज़ किया गया था। आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये पत्र जो है लिखा गया है प्रत्येक जोन को, हमारे इंडिया में जो 17 जोन है उस जोनों को जो है यहाँ पे ये पत्र लिखा गया है। माय डियर जनरल मैनेजर, आप यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑन द रेलवे अगेंस्ट डायरेक्ट कोटा, यानी कि जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो डायरेक्ट कोटा में आएगी, इसके लिए जो यहाँ पर ये लिखी गई है। आपको थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण डेट बता दें, आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं वर्क आउट द पहले फेज में वर्क आउट द कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन एज ऑन 1/1/2019 पर, आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर में जो है यानी 31/3/2021 तक जो है इस वैकेंसी को पूरी तरह फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स और मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है यहाँ पे सेकेंड फेज में देख सकते हैं कि सेकेंड फेज में यहाँ पे आपको कुछ डेट मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे दे रखा है योर अटेंडेंशन इज ड्रॉ टू द इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन इशूड बाय EMPP डायरेक्टेड, यहाँ पे RBE के द्वारा जो है दे रखा है। डेट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डेट दे चुकी है, इस तीनों डेट के द्वारा जो है DRM को जो है ये खत लिखी गई है, उसे कहा जा रहा है कि 1:1 में जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1:1 में जो है वर्क जो है वर्किंग आउट द यानी कि जो भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हो चुके हैं उनकी वैकेंसी को जो है एकत्र किया जाए और कैटेगरी वाइज जो है वह उस वैकेंसी को इन्हें सौंपा जाए। और फ्रेंड्स आप थर्ड लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर RRB के द्वारा जो है प्लेस आउट ऑनलाइन इंट्रेक्शन, यहाँ पे आपको बता दें कि SC ST और OBC PWD एक्स सर्विसमैन और ECW, यहाँ पे ECW का मतलब बता दूँ तो इकोनॉमिक वीकली सेक्टर के जो भी फ्रेंड्स होंगे जिनके लिए 10% की आरक्षण रखी गई है उनके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जोन को जो है वो 3 दिन की मात्र टाइम मिली है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 11 फरवरी से लेके जो है उन्हें 14 फरवरी के बीच में सारी वैकेंसियों की जानकारी जो है वह रेल मंत्रालय को दी जाएगी। आपको बता दें कि NTPC ग्रेजुएट, NTPC अंडर ग्रेजुएट और बर्ड मेडिकल और लेवल 1, यानी लेवल 1 का यहाँ पे मतलब बता दूँ तो ये ग्रुप D की हो जाती है। ये जो ग्रुप D की चल रही है इसके अलावा भी जो है अगले जब निकलेगी अगले मंथ में जो है ग्रुप D की भी वैकेंसी इसमें ऐड होके आएगी। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था, और मैं आपको बता दूं इसकी ऑफिशियल जो है यहाँ पे BK यादव जी का जो है
आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि उनका जो है यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है, और यहाँ पे जो है जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे का जो है यहाँ पे दे रखा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, मैं आपको वो फ़ोन नंबर बता देता हूँ, और आप जो है उस पर डाउट अगर हो तो आप वहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये नंबर जो है हम आपको दे देते हैं यहाँ पे, आप जो है उस पर अगर डाउट हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे 1 1 2 3 3 8 4 0 1 0, तो इस नंबर पे फ्रेंड्स आप कॉल करके जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।